देखिए एमएससी प्रीवियस में तुम्हारे पास बुक चल रही थी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मैग्नेटिक और उसमें अपने पास यूनिट थर्ड चल रही थी, क्लियर। तो देखिए अपने पास आज नया टॉपिक है इसमें और डालिए इसमें व्हाट इज, क्वेश्चन का बताओ लिख लेना व्हाट इज फोर करंट डेंसिटी सो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। अपने पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज फोर करंट डेंसिटी सो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो अपने पास फोर करंट डेंसिटी होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, क्लियर है सभी को। चलिए अब इसमें करते हैं अपन, नीचे लिखिए वी नो दैट कि हम जानते हैं कि dQ बराबर क्या होता है अपने पास, dQ बराबर होता है अपने पास रो dV, कितना होता है dQ बराबर रो इंटू dV, क्लियर। तो अपने पास नीचे लिखिए dQ बराबर तो देखिए अपने पास dQ बराबर क्या है रो dV है, पर dV क्या होता है आयतन अल्पांश होता है, क्या होता है dV आयतन अल्पांश, अर्थात उसको अपन बोल सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन, क्लियर है सभी को। तो अपने पास जो dV का मान लेंगे अपन यहां तो क्या लेंगे अपन कि रो इंटू कितना लेंगे, जो अपने पास dV के फॉर्म में है तो अपन इसका मान कितना ले लेंगे dx1 dx2 और dx3, कितना ले लेंगे रो इंटू dx1 dx2 dx3, क्लियर है सभी को। तो देखिए तो अपने पास अब जो अपने पास यहां पर Q है और क्या है अपने पास यहां पर रो है, तो अपने पास जो अपने पास इसका मान लेंगे तो इसको मैं किससे गुणा कर दू dx4 से और इसको भी मैं किससे गुणा कर दू पूरे को dx4 से, तो अपने पास चार कंडीशन आ जाएंगी, तो अपने पास कितना आ गया dQ इंटू dx4 बराबर रो इंटू dx4 इंटू dx1 dx2 और dx3, आ गया नहीं आया, बन गया ना, ये क्या बन गया कि dQ बराबर वो इससे इसको किससे गुणा कर दिया मैंने dx4 से, तो अपने पास क्या बना dQ इंटू dx4 बराबर रो इंटू dx4, बन गया नहीं बना, बन गया ना, तो dx1 dx2 dx3 बन गया। तो अपने पास यहां आ गया अपने पास dQ इंटू dx4 बराबर, क्लियर। और जो अपने पास रो होता है रो को तो जोका क्यों रह जाएगा रो इंटू dx4 बटे कितना हो जाएगा dt इंटू dx1 dx2 और dx3, इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेना, क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए जो अपने पास ये पूरा मान होता है रो इंटू dx4 अपॉन dt, इसको बोल सकता हूं मैं रो इंटू dx अपॉन dt, क्लियर। लेकिन अपन इसको जब अपन ने प्रश्न में क्या दे रखा है फोर करंट डेंसिटी दे रखा है, नहीं दे रखा, तो अपन इसकी चार कंडीशन लेके चलते हैं। तो इस पद को किससे गुणा कर दिया पूरे पद को dx4 से, तो dQ इंटू dx4 बराबर रो इंटू dx4 इंटू dx1 dx2 dx3, क्लियर। आगे बात आती है कि ये dx4 अपॉन dt क्यों लगाया है कि अपन इसको जब t की फॉर्म में लेते हैं तो dx4 अपॉन dt रो इंटू dx4 अपॉन dt, ये अपने पास एक जो अपने पास फोर करंट डेंसिटी होती है उसके बराबर होता है, अर्थात j4 के बराबर होता है ये वाला पद। तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए नीचे dx इंटू dx4 बराबर ये किसके बराबर हो गया j4 के इंटू dx1 dx2 और dx3,
कितना हो गया dx1 dx2 dx3, क्लियर सभी को? तो नीचे लिखिए by using इसका इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देना, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो नीचे लिखिए by using above expression we can write तो अपन इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, J1 का मान कितना हो जाएगा जब अपन ने इसका मान rho into dx4 upon dt का मान यानी किसके बराबर लिया है, J4 के बराबर, तो अपने पास J1 का मान कितना हो जाएगा बता सकते हो, कितना हो जाएगा rho और कितना हो जाएगा dx1 upon dt, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इसी प्रकार किसका मान निकाल लूंगा मैं J2 का, तो J2 बराबर कितना हो जाएगा rho into dx2 upon dt। इसी प्रकार J3 का निकाल लूंगा तो J3 का मान कितना हो जाएगा rho dx3 upon dt, क्लियर। और J4 का मान तुम्हारे पास दे रखा है, कितना दे रखा है J4 बराबर ये दे रखा है rho into dx4 upon dt, क्लियर, कि J1 का, J2 का, J3 का, J4 का। तो J4 का मान मैंने ये माना है, तो जब J4 का मान ये है तो J1 का मान कितना होगा rho into कितना हो जाएगा x4 के स्थान पर x1, तो कितना हो जाएगा rho into dx1 upon dt। इसी प्रकार J2 का निकालूंगा तो rho into dx2 upon dt, J3 का निकालूंगा तो rho into dx3 upon dt, क्लियर है सभी को। और J4 अपन ने माना ही है ये वाला पद, तो J4 का मान ये जो पत्यू रहे, क्लियर है सभी को यहां तक। चलिए तो अपने पास, और अपन इसको देखिए डेल की फॉर्म में लिखने, इसको अगर हम इसको डेल की फॉर्म में लिख सकते हैं तो अपन पास देखिए कितना आ जाएगा, डीटी को मैं किस प्रकार लिख सकता हूं देखिए, यहां लिख लेता हूं इधर साइड ही, यही लिख लेता हूं इन इनके मान, अब इनको मैं डेल के फॉर्म में लिखूंगा, डीटी के स्थान पर क्या हो जाएगा डेल, इसके डीटी पर क्या हो जाएगा डेल, और इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा डेल, तो यहां पर लिख लेना, चूंकि J1 बराबर कितना हो जाएगा rho dx1 upon del t, और J2 बराबर कितना हो जाएगा rho into dx2 upon del t, और J3 बराबर कितना हो जाएगा rho into dx3 upon del t, और J4 का मान तुम्हारे पास दे रखा है rho dx4 upon del t, क्लियर, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो अपने पास देखिए नीचे लिखिए So we can write current density only four compound। तो अपने पास तो किसके four compound कितने हो जाएंगे देखिए, किस किस के मान है चार, J1 J2 और J3 और J4, तो J1, J2, J3, J4, क्लियर। और कितना हो जाएगा अपने पास JX, iota रो दे रखा है रो सी, क्लियर। तो नीचे लिखिए J बराबर कितना आ जाएगा अपने पास समेशन ऑफ कितना आ जाएगा म्यू बराबर एक से कितना है कितनी का कितने कंपाउंड अपने पास चार कंपाउंड है, तो म्यू बराबर वन से कितना हो जाएगा चार, और अपने पास किस किस के मान दे रखे हैं यू म्यू न्यू और जे न्यू, क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा इसके हिसाब से, जो अपने पास अलग से कंपाउंड बनेंगे वो कितने बनेंगे J1, J2, J3 और J4, क्लियर, J1, J2, J3 और J4। तो नीचे लिखिए इसका इक्वेशन नंबर तीन डाल लेना, इक्वेशन नंबर तीन
नंबर तीन शोज द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन करंट डेंसिटी। तो इसके हिसाब से अपने पास एक सारणी बनाई है, तो इनके अतिरिक्त जो अपने पास न्यू जो अपने पास सो कंपाउंड आए हैं वो कितने आए, J1 के सापेक्ष कितना हो जाएगा J1 डैश, J2 के सापेक्ष कितना हो जाएगा J2 डैश, J3 के सापेक्ष कितना हो जाएगा कंपाउंड J3 डैश, और J4 के सापेक्ष कंपाउंड कितना हो जाएगा J4 डैश। क्लियर? तो अपने पास इसमें तो कितना आ जाएगा J1 डैश, J2 डैश, J3 डैश और J4 डैश। क्लियर? तो देखिए, जब J1 के सापेक्ष निकालेंगे तो यू म्यू में और जे म्यू में से जब अपन मान निकालूंगा तो उसका मान आएगा अपने पास गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा, इसका मान आएगा 0 1 0 0, इसका मान आएगा 0 0 1 0 और इसका आएगा अपने पास आयोटा बीटा गामा और 0 0 और इसका आएगा गामा। तो J1 डैश के सापेक्ष J1, J2 डैश के J2, J3 डैश के J3 और J4 डैश के J4। क्लियर? ये सारणी बना लीजिए। तो आगे लिखिए, जो अपने पास जो अगली सारणी आएगी अपने पास कितनी आएगी, देखिए इसमें वही J1 डैश, J2 डैश, J3 डैश और J4 डैश। क्लियर? और इसमें J1, J2, J3 और J4। क्लियर? अब देखिए J1 डैश के साथ ही कौन कौन से हैं, ठीक है, गामा है या नहीं है, अब इनका J1, J2, J3 के साथ तो क्या हो जाएगा गुणा। तो देखिए J1 डैश का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, एक तो गामा का फंक्शन दे रखा है और इसमें कितना दे रखा है, चौथा आयोटा बीटा गामा। तो जीरो से तो कोई मतलब नहीं है, J1 का गुणा जीरो से किया तो जीरो, जीरो गुणा J1 से किया तो जीरो। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा गामा J1, कितना आ जाएगा गामा J1 और कितना आ जाएगा इसका पद आयोटा बीटा गामा, और कितना आ जाएगा आयोटा बीटा गामा और कितना आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा बताइए, आयोटा बीटा गामा J1, कितना आ जाएगा J1। अब देखिए इसका मान J2 डैश के साथ कितना आ जाएगा J2, भाई एक है इसका मान, ये और सबका मान कितना है जीरो, इसका मान कितना है एक, और 3 का भी मान कितना आ जाएगा J3 डैश का J3, और जो J4 डैश का मान है वो कितना है माइनस में है, तो माइनस आयोटा बीटा गामा और किसका मान है ये J1, और ये किसका है 4 का, और दो चौथा क्या है गामा, तो गामा जे फोर। क्लियर सभी को कि J1 डैश के साथ दोनों पद तो ये कितने हो गए जीरो, खाली किस किसका बचा J1 का और J4 का। इसमें देखिए इसमें किसका बचा है J2 वाला पद, ये जीरो, तीसरा वाला भी पद और चौथा पद वाला भी पद कितना हो गया जीरो। क्लियर? इसी प्रकार तीसरे में देखेंगे तो J1 वाला जीरो, J2 वाला जीरो, J3 वाला कितना है एक, तो कितना आ गया J3 का गुणा जब मैं एक से करूंगा तो कितना आ जाएगा J3। इसी प्रकार J4 का मान मैंने इसमें किया तो J1 के लिए कितना है माइनस आयोटा बीटा गामा, तो इनटू में कितना आ जाएगा J1, ये जीरो और गामा कितना है J4। ये तो 1 के लिए होता है, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए और ये 4 के लिए, अर्थात J1, J2, J3 और J4। इसमें किस किस का मान है J1 और J4 का, इसमें J2 का, इसमें J3 का और इसमें J4 का। क्लियर? J1 का और J4। क्लियर है सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए बाय कंटिन्यूअस इक्वेशन
तो अपने पास जब इसको एकांक सदिश के रूप में लेते हैं तो आयोटा डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल जेड। और इसमें कितना कितना आ जाएगा अपने पास, जो दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा अपने पास जे एक्स आई कैट प्लस जे वाई जे कैट प्लस जे जेड के कैट के कैट। और अपने पास लास्ट में पद कितना बचेगा, डेल कितना बचेगा, डेल आयोटा रोसी अपॉन और कितना रह जाएगा, डेल आयोटा सी टी बराबर जीरो बराबर जीरो। तो अपने पास आ जाएगा इससे डेल जे वन अपॉन कितना आ जाएगा, डेल एक्स वन प्लस डेल जे टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल जे थ्री अपॉन डेल एक्स थ्री डेल एक्स थ्री प्लस डेल जे फोर अपॉन डेल एक्स फोर बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। तो जो इनका जो चारों का जो मान आता है वो किसके बराबर आता है, अपना जीरो के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर आता है। तो अपने पास जो लास्ट में जब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा उस फॉर्म में, तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए समेशन ऑफ म्यू बराबर एक से म्यू और कितना आ जाएगा अपने पास जे, कितना आ जाएगा जे म्यू अपॉन कितना रह जाएगा अपने पास, जे म्यू बराबर जे एक्स म्यू बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो। बराबर जीरो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। दोबारा देख लीजिए, देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो अपने पास फोर करंट डेंसिटी होती है वो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में क्या होती है, कि देखिए हम जानते हैं कि dq बराबर क्या होता है, रो dv। तो dq बराबर रो dv का मान कितना होता है, dx1 dx2 dx3, इन दोनों पदों को किससे गुणा कर दिया मैंने, dx4 से, दोनों पदों को dx4 से कर दिया गुणा। तो अपने पास ये अब dx4 अपॉन dt, ये dt का भाग क्यों दिया है, कि इसको अपन फॉर्म में बनाने के लिए, j4 की फॉर्म में बनाने के लिए इसको मैंने dt से भाग कर दिया, तो ये पूरा मान किसके बराबर होता है, j के बराबर होता है। तो अपने पास कितना आ गया, dq into dx4 बराबर j4 into dx1 dt dx2 dx3। लेकिन हम इनको जब एक्सप्रेशन के रूप में जब हम लिखेंगे तो j1 j2 j3 के मान निकालेंगे, तो j1 का मान इतना आ गया, j2 का मान इतना आ गया और j3 का मान इतना आ गया और j4 का अपने पास मान है। अब मैं इसको डेल की फॉर्म में लिखूंगा तो डेल क्या हो जाएगा, dt के स्थान पर क्या हो जाएगा, डेल t। क्लियर। तो अब देखिए जो अपने पास जो फोर कंपाउंड है और जो फोर करंट डेंसिटी है वो कितने को कंपाउंडों को प्रदर्शित करेगी, फोर कंपाउंड को। तो अपने पास j1 j2 j3 jx और कितना है आयोटा रो c। क्लियर। तो j बराबर अपने पास ये निकल के आता है कि म्यू बराबर एक से चार यू म्यू न्यू जे न्यू कितना होगा, समीकरण नंबर तीन। तो जो अपने पास जो फोर कंपाउंड है तो j1 j2 j3 के सापेक्ष कितने होंगे, j1 डैश j2 डैश j3 डैश और j4 डैश। क्लियर। फिर इसकी अपने मैट्रिक्स बना ली, मैट्रिक्स बनाने के पश्चात जब हम समीकरण तीन लागू करेंगे j1 j2 j3 के लिए तो अपने पास j1 का मान कितना आएगा, j1 डैश के सापेक्ष गामा, j2 का जीरो, j3 का जीरो और j4 का मान कितना आएगा, आयता बीटा गामा। इसी प्रकार j2 डैश के सापेक्ष j1 का मान कितना आएगा, जीरो, j2 का एक, j3 का जीरो, j4 का जीरो। क्लियर है सभी को। इसी प्रकार j4 का j3 का निकाल लिया, j4 का निकाल लिया। क्लियर है। अब देखिए इसमें, देखिए j1 का मान दे रखा है, j4 का मान दे रखा नहीं दे रखा, तो जीरो से तो अपन को मतलब नहीं है, किसी का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा गामा, ये किसका मान है, j1 का, ये किसका है, j4 का, ये भी j1 j2 j3 j4 j1 j2 j3 j4 j1 j2 j3 j4।
क्लियर। तो अपने पास ये J1 हो गया, तो गामा J1, आर्टो बीटा गामा किसका है, J4, तो आर्टो बीटा गामा J4, क्लियर। ये 0 0 से मतलब नहीं है, ये किसका मान, J2, तो ये कितना हो जाएगा, J2 का गुणा 1 से करूंगा तो J2 0 0 0, क्लियर। 0 0 J3 0, ये किसका है, J1 का, तो माइनस आर्टो बीटा गामा J1, और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, गामा J4। ये बन गया मैट्रिक्स, क्लियर। अब आपका जब देखते हैं जो अपने पास जो इक्वेशन बनी है, तो इसको जब मैं आर का जो आई कैप जे कैप के कैप को फॉर्म में लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा, आई डेल अपॉन डेल एफ डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जे, इसको सब जानते हो। फिर किस किस के मान है, जे जेड के, तो ये लिख लिए। और अपने पास कितना बचा है, जो आयोटा रोसी है, जो दूसरा फंक्शन है अपने पास, वो तो डेल आयोटा रोसी अपॉन डेल, इसके साथ कितना आया होगा, आयोटा रोसी के साथ आयोटा सीटी बराबर 0। जो अपने पास बनेगा लास्ट में पद, ये बनेगा डेल J1 अपॉन डेल X1 प्लस डेल J2 अपॉन डेल X2 प्लस डेल J3 अपॉन डेल X3 प्लस डेल J4 डेल X4। ये सभी मान किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर। अर्थात मैं इस समीकरण को लिख सकता हूं कि समेशन म्यू बराबर 1 से म्यू जे म्यू अपॉन जे एक्स म्यू बराबर 0। क्लियर है सभी को, नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, क्लास में हूँ, हाँ मेरे को कॉल कर देना जब वो आ जाए। कर ली नोट डाउन, चलो। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वेव इक्वेशन फोर। पहला लिखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा लिखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव इक्वेशन होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, इसके लिए अपन जो अपने पास डेरिवेशन हुए हैं वो सिद्ध करेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले अपन किसको करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अपने पास जो मैक्सवेल की इक्वेशन होती है थर्ड और फोर्थ, वो अपने पास यूज में आती है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर है सभी को। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो आवेश तथा आवेशों के समूहों के मध्य, आवेश अर्थात आवेश समूहों के मध्य जो अपने पास वो पहला वाला जो आवेश होगा वो कोई ना कोई बल लगाता है। तो आवेशों के समूह के मध्य क्या लगता है, बल लगता है, और किस क्षेत्र में लगेगा, विद्युत क्षेत्र में, किसमें लगेगा, विद्युत क्षेत्र में, क्लियर है। तो ऐसे ही क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, कैसी होती है, सदिश राशि। तो जो अपन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे वेव इक्वेशन में, तो अपन मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे, क्लियर है सभी को। तो चलिए लिखिए अकॉर्डिंग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होगी वो कितनी होती है, डेल इंटू सदिश ई बराबर माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, कितनी होती है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो अब देखिए इन दोनों का अपन क्या ले लेते हैं, कर्ल ले लेंगे। तो अपने पास जब इसका कर लूंगा तो अपने पास कितना बचेगा, डेल इंटू सदिश ई
बराबर, और इसका मान कितना बनेगा अपने पास, माइनस डेल अपॉन डेल टी और डेल इंटू कितना हो गया सदिश बी, कितना हो गया डेल इंटू सदिश बी। क्यों, इसका कर्ल ले लिया, कर लूंगा तो कितने से गुणा करूंगा डेल से, और बी का मैंने कर ले लिया तो कितना हो गया डेल इंटू सदिश बी। अब देखिए जो डेल इंटू जो सदिश बी होती है वो मैक्सवेल की कौन सी होती है, फोर्थ इक्वेशन होती है। तो अपन डेल इंटू सदिश बी के स्थान पर जो उसका जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या होती है, डेल इंटू सदिश बी बराबर म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल साई अपॉन डेल टी। तो डेल इंटू सदिश बी के स्थान पर रख सकता हूं उसके मान को, मैं रख सकता हूं तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए डेल इंटू ई क्लियर और माइनस डेल स्क्वायर ई, डेल स्क्वायर ई तो बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी। तो ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होगी डेल इंटू सदिश बी, तो इसके स्थान पर जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन होगी वो कितनी होगी म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और कितना होता है अपने पास डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल वो डेल ई अपॉन डेल टी, डेल ई अपॉन डेल टी क्लियर। तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान, देखिए डेल इंटू ई माइनस डेल स्क्वायर ई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए अब इसका मान में इसके म्यू जीरो जी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी मान रख लिया, नहीं रखा, रख लिया तो अपने पास कितना आ जाएगा माइनस म्यू जीरो जे डेल जे अपॉन डेल टी आ गया, नहीं आया डेल अपॉन डेल टी और कितना आ गया म्यू जीरो जे माइनस म्यू जीरो जे म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो और कितना आ जाएगा अपने पास डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ गया डेल इंटू डेल ई माइनस डेल स्क्वायर ई बराबर अपने पास इसका मान आ जाएगा। अब इसका मैं पक्षांतरण कर लूं तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो म्यू जीरो डेल जे अपॉन डेल टी, डेल जे अपॉन डेल टी और प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर जीरो, बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र, जो अपने पास वेव इक्वेशन होती हैं, तरंग इक्वेशन होती हैं, उनमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्लियर। तो देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र में क्या होता है आवेश आवेशों के मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण बल है चाहे वो प्रतिकर्षण बल है, और किन के मध्य आवेशों के समूह के आसपास कोई ना कोई बल कार्य करता है, तो उस क्षेत्र को अपन क्या बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो अपने पास जो राशि होती है वो कैसी होती है सदिश राशि होती है क्लियर, और इसको अपन किससे डिनोट करते हैं इसी क्लियर। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों होते हैं, तो उनमें जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन सारी इक्वेशन क्या आएंगी काम में आएंगी, लेकिन जब अपन इनको सॉल्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अपन कौन सी इक्वेशन लेके चलते हैं थर्ड मैक्सवेल की, और जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें अपन कौन सी इक्वेशन लेके चलते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन काम में लेके चलते हैं। तो अपने पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको बताया था डेल इंटू सदिश ई बराबर कितना होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, क्या होती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। अब इसका मैंने क्या कर लिया, इसका मैंने कर्ल ले लिया, अब कर्ल लूंगा तो किससे गुणा करूंगा इन दोनों पदों को डेल से, तो डेल इंटू सदिश ई बराबर माइनस डेल अपॉन डेल टी और बी का क्या ले लिया मैंने कर्ल, तो डेल इंटू सदिश बी। अब देखिए डेल इंटू जो सदिश बी होता है वो क्या होती है मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, और मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन होती है डेल इंटू सदिश बी बराबर कितना होता है म्यू जीरो जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। तो मैंने इसके स्थान पर इसका पूरा मान लिख लिया है मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन की, तो अपने पास कितना आ जाएगा देखिए, अब इसका मैं इसके सापेक्ष लूंगा तो म्यू जीरो को मैंने अलग ले लिया और डेल का गुणा जे से कर दिया तो डेल जे अपॉन डेल टी बन गया, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस गुणा प्लस करूंगा तो माइनस का चिन्ह आता है, तो म्यू जीरो एप्सिलॉन वो जीरो और डेल का गुणा डेल ई से करूंगा तो डेल इंटू डेल करूंगा तो डेल स्क्वायर और ई का ई अपॉन डेल टी का डेल टी से करूंगा तो कितना आ जाएगा डेल टी स्क्वायर। इन दोनों का मैंने एक साइड में पक्षांतरण कर लिया, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो अपने पास लास्ट आएगा डेल इंटू डेल ई माइनस डेल स्क्वायर ई प्लस म्यू जीरो डेल जे अपॉन डेल टी प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो
डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये सभी का मान किसके